हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ड्रिल मशीन का जो बिल्ड स्किल कंपनी का है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइबर वाले बटन से हाथ मिलाइए और घंटी को हिला दीजिए, जिससे आने वाला सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग मशीन देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्ड स्किल लिखा हुआ है जो कि कंपनी का नाम है, दूसरे साइड इलेक्ट्रिक ड्रिल लिखा हुआ है। आप लोग को इस मशीन के साथ क्या क्या मिलेगा, आपको एक ड्रिल मशीन मिलेगा, एक आप लोग को की मिलेगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और कुछ साइज की बिट मिलेंगी, 6 या 7 बिट आप लोगों को मिल जाएगी। मैं बता दूँ दोस्तों, आप इस मशीन से क्या क्या ड्रिल कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में कोई तस्वीर टांगनी है तो ड्रिल करके इससे आप स्क्रू लगा सकते हैं और उस पर अपनी तस्वीर टांग सकते हैं, और कोई लोहा है या स्टील है उसमें भी आप इस मशीन की सहायता से ड्रिल कर सकते हैं, बाकी वुड में भी इससे ड्रिल कर सकते हैं। इसका अगर आरपीएम की बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये 2600 आरपीएम है, और पावर कंजम्पशन की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इस मशीन का पावर कंजम्पशन जो है 300 वाट है, जो कि जनरली आपको हर ड्रिल मशीन में देखने को मिल जाएगा। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड देखने को आप लोग को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं मेरे हाथ में। और इसके वायर की बात कर ली जाए तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर टोपिन टॉप जो भी है, ये 5 एम्पियर का टोपिन टॉप दिया, जो कि काफ़ी ही अच्छी बात है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग मेरे हाथ में मशीन देख रहे हैं, ये प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है, जिससे आपको शॉक लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ छिद्र दिया है, सेम दूसरी तरीके से इस साइड में भी दिया हुआ है। ये छिद्र क्यों दिया है मैं आप लोग को बता दूँ, जब आप इस ड्रिल मशीन को चलाते हैं तो ये काफ़ी हीट हो जाता है, उस हीट को कम करने के लिए ये छिद्र दिया होता है, इससे ये कूलिंग होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑन ऑफ बटन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते हैं, और यहाँ पर एक उस बटन दिया हुआ है। ये किस लिए दिया है मैं आप लोग को बता दूं, जब ये कंटिन्यू आपको चलाना रहता है उस कंडीशन में ये पुश बटन काम आएगा। कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आप लोग को बता दूं, इसको कुछ इस प्रकार से प्रेस करके, इस प्रकार इसको प्रेस कर देंगे तो ये अनकंडीशन में हो जाएगा और आपका ड्रिल मशीन कंटिन्यूस चलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपको बंद करना होगा तो इसी बटन को एक बार पुश करेंगे तो ये वापस से ऑफ हो जाएगा और आपकी मशीन रुक जाएगी। दोस्तों इस मशीन से आप 1.5 mm से लेकर 10 mm तक ड्रिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इसमें बिट सेट करते हैं और इसकी स्पीड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने गन मशीन में बारूद सेट कर दिया है, तो चलिए अब हम इसको चलाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मैंने ड्रिल मशीन को प्लग इन कर दिया है, तो चलिए अब मशीन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाइए, जब मैं मशीन स्टार्ट करूंगा तो आप लोग को मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।